हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर समेत 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं। बलराज 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे। वो पहले दिन से ही किसान आंदोलन में शामिल थे। बलराज ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया था। साथ ही टीकरी बॉर्डर पर किसान रसोई भी शुरू की थी। अधिकारियों ने अभी छापे के बारे में कुछ नहीं कहा है। यूपी के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा काफी तल्ख दिखी। सीएम योगी ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि जो लोग गमले में धान उगाते हैं वो भी एमएसपी की बात कर रहे हैं, जबकि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। हंगामे पर 2 टूक शब्दों में योगी ने कहा कि गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, सुनने की आदत डालिए, सबके पेट का दर्द दूर कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने अयोध्या के कोतवाल, हनुमानगढ़ी और फिर उसके बाद रामलला के दर्शन किए। टिकैत ने खुद को रघुवंशी बताते हुए कहा कि हमारे पूर्वज का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, पहली बार यहां आने का मौका मिला। नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन पर कहा कि यह भी लंबा चलेगा, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर चीट मिनिस्टर हैं, इनके राज में 101% अपराध बढ़े हैं। सीतामढ़ी में शराब माफिया से मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि यहां तो पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल दागा और कहा कि क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश के बावजूद राज्य के पिंपरी चिंचवाड़ में न सिर्फ एक फैशन शो का आयोजन हुआ बल्कि यहाँ की मेयर उषा माई ढोरे भी इसमें शामिल हुई। खास बात यह रही कि माई ढोरे ने बिना मास्क के रैंप पर वॉक किया शामिल हुई। शो में हुए कल्चरल प्रोग्राम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यह कार्यक्रम बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगताप के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था। जी बिजनेस ने 10 जनवरी को खबर दी थी कि कैटरीना कैफ और साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति एक साथ एक थ्रिलर फिल्म में दिखाई देंगे। अब इस खबर पर लग गई है मुहर। इस थ्रिलर फिल्म को अंधाधुन बनाने वाले श्रीराम राघवन डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का नाम है क्रिसमस। फिल्म की शूटिंग अप्रैल से पुणे में शुरू होगी। सलमान खान ने आज से शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में सलमान खान एक खास रोल में दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक सलमान फिल्म एक था टाइगर के अपने किरदार को फिर से जिएंगे। पठान को वॉर बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। खबर है कि जल्द ही दृश्यम के दूसरे पार्ट यानी कि दृश्यम 2 पर काम शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि दृश्यम 2 में अजय देवगन और तब्बू को ही लीड रोल के लिए कास्ट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजय और तब्बू इस फिल्म में काम करने के लिए राजी भी हो गए हैं। हालांकि बाकी की कास्ट को सिलेक्ट करने में अभी वक्त लगेगा, इस पर काम चल रहा है। हॉलीवुड ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से टक्कर लेने का मन बना लिया है। स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी। इस दिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज होने की तैयारी में है। आमिर की फिल्म के लिए यह बड़ी चुनौती होगी क्योंकि भारत में स्पाइडरमैन सीरीज के लोग दीवाने हैं। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के से लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रतीक गांधी ने नई फिल्म साइन की है। प्रतीक के साथ इस फिल्म में यामी गौतम नजर आएंगी। फिल्म को उरी बनाने वाले आदित्य धर बनाएंगे। फिल्म की कहानी भी आदित्य ने लिखी है जिस पर उनकी मेगा बजट अश्वत्थामा के बाद काम किया जाएगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेटों से करारी मात दी है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 112 रन बनाए। इसके बाद भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए। इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 81 रन बनाकर सिमट गई। इस लिहाज से टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 49 रनों का टारगेट मिला था। जवाब में भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया। टेस्ट इतिहास में ये 22वां मुकाबला रहा जो दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जोरदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में पुदुचेरी के खिलाफ 152 गेंदों पर 227 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 58 गेंदों पर 133 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों के दम पर मुंबई ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 457 रन बनाए। ये लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया में अब तक का चौथा सबसे बड़ा और किसी भारतीय टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। शॉ ने 4 दिन पहले इस टूर्नामेंट में दिल्ली के खिलाफ 105 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स भारत की पारी के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार लगाते हुए देखे गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फिलहाल कोरोना के कारण गेंद पर लार लगाने पर रोक लगाई हुई है। स्टोक्स की हरकत के बाद गेंद को सैनिटाइज किया गया। ऑन फील्ड अंपायर नितिन मेनन ने उनसे बात की और चेतावनी भी दी। आईसीसी के नियमों के मुताबिक गेंद पर लार लगाने वाली टीम को 2 बार चेतावनी दी जाएगी। अगर तीसरी बार भी ऐसी हरकत हुई तो बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। भारत के बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के पहले दिन 38 रन देकर 6 विकेट चटकाए। अक्षर ने लगातार दूसरी बार टेस्ट में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। अक्षर की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर ढेर कर दी थी। न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 219 रन बनाए। हालांकि मार्टिन गप्टिल शतक से चूक गए, वो 50 बॉल पर 97 रन बनाकर आउट हुए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 215 रन ही बना सके।